हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोली मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। गाइज, आज हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट की। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट पढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि कैपिटल मार्केट क्या होता है, क्योंकि जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे के पॉइंट्स हमको नहीं समझ आएंगे। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, यानी अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत है तो वो अप्रोच करेगा कैपिटल मार्केट के लिए। कैपिटल मार्केट इज़ ए फाइनेंशियल मार्केट इन विच लॉन्ग टर्म डेब्ट और इक्विटी बैक सिक्योरिटी आर बॉट एंड सोल्ड। ये वो मार्केट है जहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, जहाँ से हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस मिलता है। गाइज, अगर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल की, तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा? मनी मार्केट से। और अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत होगी तो वो कैपिटल मार्केट में ही आता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस हमें चाहिए, हम कैसे फाइनेंस, तो हमें कैसे फाइनेंस ले सकते हैं, या हम खुद में एक कंपनी है तो कैसे कैसे पैसा लगा सकते हैं। गाइस, यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की या प्राइमरी मार्केट की। दोनों चीज़ें एक हैं। प्राइमरी मार्केट बेसिक है हमारा, जो पॉइंट है वो प्राइमरी मार्केट है, लेकिन जो बेसिक है हमारा वो कैपिटल मार्केट के थ्रू आएगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, नंबर वन प्राइमरी मार्केट एंड नंबर टू सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है? प्राइमरी मार्केट इज़ ए मार्केट वेयर सिक्योरिटी आर क्रिएटेड, राइट? प्राइमरी मार्केट इज़ ए मार्केट इन विच सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड एंड सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यानी ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, ये सब पहली बार बेचे जाते हैं। जब किसी न्यू कंपनी को अपने शेयर फर्स्ट टाइम सेल आउट करने होते हैं तो ये मार्केट क्या कहलाता है? प्राइमरी मार्केट। सेकेंड हो गया हमारा डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू कैपिटल फॉर्मेशन। ये डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। कैसे करता है? अब तक जो शेयर कहीं भी नहीं थे, अब मैंने जो जैसे 100 शेयर्स लिए हैं, जो 100 शेयर लेते जो लेके हमारे पास 1000 रुपये आ गए हैं, वो नए 1000 रुपये हैं, तो ये कैपिटल को डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या? शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ये वही सारी चीज़ें हैं जो स्टॉक मार्केट में आता है। स्टॉक मार्केट मतलब सेकेंडरी मार्केट में होता है, बट जस्ट बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आया है तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिखी हुई है गोइंग पब्लिक। गोइंग पब्लिक का मतलब होता है कन्वर्टिंग प्राइवेट कैपिटल इंटू पब्लिक कैपिटल। ये जो प्राइमरी मार्केट है गोइंग पब्लिक का काम करता है। कैसे करता है? ये प्राइवेट कैपिटल को, यानी कि लोगों को की पॉकेट से 10-10 रुपये, जो लोगों के पॉकेट में 10-10 रुपये थे, पब्लिक कैपिटल, इसने पब्लिक कैपिटल बना दिया। कैसे? जो 1000 रुपये इकट्ठे हुए थे वो लोगों के नहीं हैं, वो अब किसके हैं? कंपनी के हैं, जो पब्लिक लिमिटेड है, राइट? शेयर्स ही तो लिए थे हमने, तो इसने क्या किया? पब्लिक प्राइवेट कैपिटल को पब्लिक कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। गाइज, अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने नई कंपनी स्टार्ट की है तो मैंने कैसे कैसे शेयर मार्केट में डाल सकती हूँ। तो अब हम देखेंगे मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। नंबर वन, पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस। मैंने क्या किया? पब्लिक को बांट दिया थ्रू प्रॉस्पेक्टस। अब प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या है? न्यूज़पेपर में देखा होगा, एडवर्टीजमेंट आते हैं, कंपनी खुल रही है, नई कंपनी खुल रही है, इसके शेयर्स इतने हैं, इतने में सेल आउट होते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर प्रॉस्पेक्टस, यानी कि जनरल पब्लिक को अपने शेयर के बारे में मैं बता रही हूँ विद डूइंग एडवर्टीजमेंट। सेकेंड आ गया हमारा ऑफर फॉर सेल, मतलब कंपनी अपने शेयर किसको बेचेगी? ब्रोकर को। ब्रोकर मतलब वो बंदा जो होता है ना, जैसे होलसेलर एंड शॉपकीपर। होलसेलर हो गए कंपनी, शॉपकीपर हो गए ब्रोकर, और हम हो गए पब्लिक। तो कंपनी ने अपने शेयर दे दिए ब्रोकर को और ब्रोकर ने दिए पब्लिक को अपना कमीशन लेने के बाद। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है?
प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब भी इसी तरह से होता है, कंपनी ने ब्रोकर को दिए शेयर्स और ब्रोकर ने सिलेक्टिव, देखिए टर्म यहाँ पे क्या है, सिलेक्टिव क्लाइंट को दिए शेयर्स, किसको दिए, जनरल पब्लिक को नहीं दिए, यहाँ पे एक सिलेक्टिव क्लाइंट को दिए, दैट इज़ कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, राइट इशू, जो पुरानी कंपनी को पैसा चाहिए था वो, जो कभी कभी पुरानी कंपनीज को हमारे पैसा चाहिए होता है तो वो कभी कभी नए शेयर्स इशू कर देती है, तो राइट इशू, ठीक है, मतलब किसी ओल्ड कंपनी के न्यू शेयर्स इशू किए तो वो कहाँ जाएंगे, न्यू शेयर्स है ना तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएंगे, बिकॉज वो नया शेयर है, पैसा कहाँ आएगा, पैसा फर्स्ट टाइम आएगा ना उनका, तो क्या होता है, राइट इशू। इसमें एक और बात समझिए कि पुरानी कंपनी अगर नए शेयर इशू कर रही है तो पहले वो अपने नए शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस देती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया हमारा EIPOs, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कंप्यूटराइज्ड वे से शेयर को सोल्ड आउट करना, दैट इज़ कॉल्ड EIPOs। ये होता है गाइस हमारा प्राइमरी मार्केट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। मैंने कैपिटल, मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का इसीलिए अलग अलग वीडियो बनाया है, नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो मेरे सेकेंडरी मार्केट का है, क्योंकि वो सारा कुछ अगर मैं मिक्स करूँगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में अपने वीडियोज़ को बनाया है। तो गाइज़ आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो, जो भी आपको दिक्कत हुई है, जो भी इसमें कोई डाउट हुआ है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।